हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ और रूट मोबाइल के आईपीओ के बीच में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल के आईपीओ में से कौन सा बेटर है, यानी विच वन इज बेटर, और कहाँ से आपको ज्यादा लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। तो अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने को और आप दोनों में से किसी एक में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि दोनों में से कौन सा बेटर है, किस में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा रिटर्न या फिर ज्यादा लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ और रूट मोबाइल आईपीओ दोनों का डिटेल्स ओपन कर लिया, और अब हम इन डिटेल्स के बेसिस पे देखेंगे कि दोनों में से कौन सा बेटर है। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के ओवरव्यू को देखते हैं, तो अगर हम दोनों के डिटेल्स को देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ आपका बैंगलोर बेस्ड आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, वहीं राउट मोबाइल आपका मुंबई बेस्ड लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो दोनों अपने फील्ड का वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, और रूट मोबाइल भी काफी ज्यादा रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स को। वहीं हैप्पीएस्ट माइंड भी अपने कस्टमर्स और क्लाइंट को काफी ज्यादा वेराइटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है आईटी फील्ड की। तो दोनों अपने अपने फील्ड की काफी दिग्गज कंपनी है। तो यहाँ पे दोनों कंपनी के बारे में डिटेल्स दिया गया, आप हमारी वेबसाइट equity2community.in पे आके इसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आते हैं और दोनों कंपनी के स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड के स्ट्रेंथ के ऊपर बात करें, तो ये अपने कस्टमर्स को सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, और इसका काफी स्ट्रांग ब्रांड है डिजिटल आईटी सर्विस में, और ये अपने कस्टमर्स को एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर से बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स में और कंपनी का ग्रोथ भी काफी जबरदस्त हुआ है लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर से। वहीं अगर हम राउट मोबाइल के स्ट्रेंथ के ऊपर बात करें, ये भी वन ऑफ द लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, और ये काफी डाइवर्सिफाइड सर्विस ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स को। इसका भी स्ट्रांग ब्रांड इमेज है, और इसके पास 230 से ज्यादा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर क्लाइंट्स है, और इसके पास ओवर 800 मोबाइल नेटवर्क्स का एक्सेस है, और इसका जो ऑपरेशंस है वो ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि इंडिया के बाहर भी है, और इसका ग्लोबल ऑपरेशंस प्रेजेंस है, और इसके भी फाइनेंशियल्स वो काफी बेहतरीन है, यानी ये भी लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर से काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। तो फाइनेंशियल्स लिहाज से दोनों कंपनी काफी बेहतरीन है, तो स्ट्रेंथ वाइज दोनों कंपनी हमें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अब हम दोनों के रिस्क फैक्टर को देखते हैं, और रिस्क फैक्टर वाइज हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से कौन बेहतर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हैप्पीएस्ट माइंड के रिस्क फैक्टर को देखते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड का जो रेवेन्यू है वो मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये मोस्टली जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो यूएस में ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यूएस मार्केट में कुछ भी खराब होता है, यानी वहां का इकोनॉमिक कंडीशन खराब होता है या फिर स्लो डाउन आता है, तो उसका इम्पैक्ट इस कंपनी के बिजनेस पे भी देखने को मिलेगा और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी देखने को मिलेगा। तो ये मोस्टली यूएस मार्केट डिपेंडेंट कंपनी है। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है कि इसका सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू काफी स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर्स से आते हैं। तो यहां पर मैं आपको डेटा बता दूं कि इसका ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू टॉप 10-12 कस्टमर्स से आते हैं। तो अगर इन 10-12 कस्टमर्स में से एक या दो कस्टमर्स भी बाहर होता है तो उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट इसके रेवेन्यू और कंपनी के फाइनेंशियल्स पे देखने को मिलेगा। तो ये दो इसके मेजर रिस्क फैक्टर है। वहीं अगर हम रूट मोबाइल के रिस्क फैक्टर को देखें तो ये कंपनी और इसके बहुत सारे सब्सिडियरीज, प्रमोटर्स और ग्रुप कंपनीज वो काफी ज्यादा लीगल केसेस में फंसे हुए हैं, और बहुत सारा लीगल केसेस अभी चल भी रहा है। अगर उसका कोई भी एडवर्स आउटकम आता, यानी खराब आउटकम आता जो कंपनी के फेवर में ना रहे, तो इससे इस कंपनी के रेपुटेशन, फाइनेंशियल्स और रेवेन्यू तीनों पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये चीज थोड़ी सी सीरियस नजर आ रही है, और टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनी है अभी उसमें रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा है। तो रिस्क फैक्टर हैप्पीएस्ट माइंड में भी है, लेकिन जो रूट मोबाइल में जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा सा सीरियसनेस नजर आ रहा है इन कंपेरिजन टू हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ से। लेकिन फिर भी हमें रूट मोबाइल के आईपीओ से भी जबरदस्त लिस्टिंग गेंस मिलता हुआ दिख रहा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो भी हम आगे बात करेंगे कि दोनों में से हमें किसमें ज्यादा लिस्टिंग गेंस मिल सकता है और किसमें अलॉटमेंट करना बेटर है। लेकिन रिस्क फैक्टर के लिहाज से देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड हमें ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है इन कंपेरिजन टू रूट मोबाइल।
तो अब हम दोनों के आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आपका 7 सितंबर को ओपन हो रहा और क्लोज होगा 9 सितंबर को, जबकि रूट मोबाइल का आईपीओ आपको 9 सितंबर को ओपन होगा और क्लोज होगा 11 सितंबर को। और हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ में जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको 15 सितंबर को रिफंड मिलेगा। तब तक इस आईपीओ का डेट खत्म हो गया होगा। अगर आपके पास 20K यानी 20,000 रुपीज है तो आप दोनों में से किसी एक आईपीओ में ही अप्लाई कर सकते हैं, आप दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते। दोनों में अप्लाई करने के लिए मिनिमम अमाउंट आपका 30,000 के आसपास होना चाहिए, तभी आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और डिटेल्स बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेश इश्यू है 110 करोड़ का, जबकि यहाँ पे फ्रेश इश्यू है 240 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है यहाँ पे 590 करोड़ का और यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है 360 करोड़ का। हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ साइज है 700 करोड़ का, जबकि रूट मोबाइल का आईपीओ साइज है 600 करोड़ का। हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ में सिर्फ 10% का रिटेल एलोकेशन है, जबकि रूट मोबाइल के आईपीओ में 35% का रिटेल एलोकेशन है। तो रूट मोबाइल में 240 करोड़ कंपनी के पास जाएगा, जबकि 360 करोड़ जो शेयर्स बेच रहे हैं उनके पास जाएगा। वहीं हैप्पीएस्ट माइंड में सिर्फ 110 करोड़ ही कंपनी के पास जाएगा, बाकी 590 करोड़ जो शेयर्स बेच रहे हैं उनके पास जाएगा। तो हैप्पीएस्ट माइंड के पास पैसा कम जाएगा और रूट मोबाइल के पास पैसा ज्यादा जाएगा इस आईपीओ से। और यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं कि अगर आप रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर्स हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड में सिर्फ आपको 10% का एलोकेशन दिया गया, जबकि रूट मोबाइल में आपको 35% का एलोकेशन दिया गया। मतलब हैप्पीएस्ट माइंड में अलॉटमेंट के चांसेस काफी कम रहेंगे आपके, जबकि रूट मोबाइल में आपका अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे इन कंपेरिजन टू हैप्पीएस्ट माइंड, क्योंकि यहाँ पे 35% का रिटेल एलोकेशन दिया गया है। रिस्क फैक्टर तो थोड़ा सा रूट मोबाइल में ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आईपीओ अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी ज्यादा है। लिस्टिंग गेंस तो आपको दोनों से मिलेगा, किसी में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड थोड़ा सा सिक्योर जरूर है रूट मोबाइल के कंपेरिजन में, लेकिन यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी कम है। तो अब दोनों का यहाँ पे आप टाइमलाइन देख सकते हैं हमारे वेबसाइट इक्विटी टू कमोडिटी पे आके। दोनों के फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करें तो दोनों का फाइनेंशियल्स हमने पहले ही बता दिया, काफी जबरदस्त है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों फाइनेंशियल्स वाइज काफी स्ट्रांग कंपनी है। तो अब हम हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल दोनों के वैल्यूएशंस के ऊपर बात करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड का फेस वैल्यू है ₹2, जबकि रूट मोबाइल का फेस वैल्यू है ₹10। अर्निंग पर शेयर हैप्पीएस्ट माइंड का है 5.36 रुपीज, जबकि अर्निंग पर शेयर है रूट मोबाइल का 13.83। तो अर्निंग पर शेयर रूट मोबाइल का ज्यादा है इन कंपेरिजन टू हैप्पीएस्ट माइंड। पी रेशियो यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, लेकिन रूट मोबाइल का पी रेशियो है 25 के करीब, ये भी काफी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड का 27% और रूट मोबाइल का भी है 26%। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोनों का इक्वली गुड है। तो वैल्यूएशंस वाइज दोनों बेहतरीन है, लेकिन अर्निंग पर शेयर्स में ये ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा रूट मोबाइल। वहीं अगर हम नेट एसेट वैल्यू से दोनों के प्राइस बैंड को कंपेयर करें तो इसका प्राइस बैंड है 165 रुपीज के करीब, जबकि इसका प्राइस बैंड है 350 के करीब। तो अगर हम नेट एसेट वैल्यू से कंपेयर करें कितना टाइम्स है, तो ये आपका 6.34 टाइम्स ज्यादा है नेट एसेट वैल्यू से। वहीं अगर हम रूट मोबाइल का देखें तो ये आपका 7.5 टाइम्स ज्यादा नजर आ रहा है। तो अगर आप नेट एसेट वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो रूट मोबाइल थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव नजर आ रहा इन कंपेरिजन टू हैप्पीएस्ट माइंड। तो अब हम और नीचे आते हैं और दोनों के ग्रे मार्केट प्रीमियम से फाइंड करते हैं कि किसमें हमें कितना ज्यादा लिस्टिंग गेंस मिल रहा है। तो एज ऑन 6 सितंबर 2020 हैप्पीएस्ट माइंड का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है 108 रुपीज से 110 रुपीज और इसका लॉट साइज है आपका 90 शेयर्स का। तो यहाँ पे आपको टोटल 9,000 के करीब लिस्टिंग गेंस मिलता हुआ दिख रहा एज ऑन 6 सितंबर 2020। वहीं रूट मोबाइल का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है एज ऑन 6 सितंबर 2020 वो है 220 रुपीज से लेके 225 रुपीज पर शेयर्स और इसका जो लॉट साइज है वो है 40 शेयर्स का। तो यहाँ पे भी आपको 8,000 के करीब लिस्टिंग गेंस मिलता हुआ नजर आ रहा। तो रूट मोबाइल के कंपेरिजन में हैप्पीएस्ट माइंड में हमें लिस्टिंग गेंस भी ज्यादा मिल रहा है और इसमें रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा कम है और नेट एसेट वैल्यू से कंपेयर करें ये थोड़ा सा चीप भी नजर आ रहा। तो ओवरऑल हैप्पीएस्ट माइंड हमें ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा और यहाँ से लिस्टिंग गेंस भी ज्यादा मिल रहा है। लेकिन
अगर आप इस आईपीओ के लिए जा रहे हैं तो यहां पे आपको एक और चीज ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहां पे रिटेल एलोकेशन सिर्फ 10% का है। यहां पे सारा कुछ बेहतर तो है लेकिन अलॉटमेंट के चांसेस आपको काफी कम होगा, जबकि रूट मोबाइल में आपको थोड़ा सा कम लिस्टिंग गेंस तो जरूर मिल रहा है, लेकिन यहां पे रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के लिए 35% का पोर्शन अलॉट किया गया है, तो यहां पे अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से ज्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू हैप्पीएस्ट माइंड। तो अगर आप थोड़े से सेफ साइड जाना चाहते हैं और आपको अलॉटमेंट चांसेस कम रहेगा फिर भी चलेगा तो आप हैप्पीएस्ट माइंड के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिस्टिंग गेंस थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा लेना चाहते हैं तो फिर आप रूट मोबाइल के साथ जा सकते हैं। तो दोनों इक्वली गुड है, अगर आपके पास सफिशियंट अमाउंट है तो आप दोनों में अप्लाई करें, दोनों आईपीओ आपका बेहतरीन है। आप रूट मोबाइल में भी अप्लाई करें और हैप्पीएस्ट माइंड में भी अप्लाई करें, दोनों काफी बेहतरीन है। लेकिन अगर आप किसी एक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अलॉटमेंट के चांसेस और रिस्क फैक्टर दोनों को ध्यान में रख के जो भी आपको बेहतर लग रहा है उसमें कर सकते हैं। मुझे तो दोनों काफी बेहतरीन नजर आ रहे हैं, यहां पे मैंने आपको सारा डिटेल्स बता दिया। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।